नमस्कार फ्रेंड्स, आपने सही देखा थंबनेल में। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे होम लोन की। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, होम प्लस लोन मतलब होम खरीदने के लिए लिए जाने वाले लोन को हम होम लोन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं होम लोन के ऊपर। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 9% से लेके 11% तक हो सकता है पर ईयर, पर ये सब डिपेंड करता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर और आपकी प्रॉपर्टी के प्रोफाइल के ऊपर। ये ब्याज क्रमशः पर ईयर चार्ज किया जाता है। दूसरा जो जानकारी वो इस प्रकार है, होम लोन लेने की दूसरी जानकारी ये है कि इससे आपको बिग अमाउंट का लोन अमाउंट मिल सकता है। मसलन आप कोई 50 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं, शायद उस लोन को लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम आए, पर अगर आप 50 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। इसका मतलब बिग अमाउंट का फ़ायदा आपको होम लोन के थ्रू मिल सकता है। तीसरी जानकारी इस प्रकार से है कि होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग बेसिस पर होता है, मतलब होम लोन पर जो ब्याज लगता है वो घटते क्रम में होता है। मसलन आपने 50 लाख का लोन लिया और आपने फर्स्ट ईएमआई पे करी, जब पहली ईएमआई आप पे करते हैं तो ईएमआई कटने के बाद जो अमाउंट लोन का बचता है उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, मतलब बचे हुए अमाउंट पर ही ब्याज लगेगा और किसी अमाउंट के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। इसे हम रिड्यूसिंग बेसिस पे लोन बोलते हैं, यानी कि घटते क्रम के अंदर। होम लोन की फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें टेन्योर जो है ऑलमोस्ट 20 साल का हो सकता है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, जिससे उसके लोन अमाउंट के ऊपर बनने वाली ईएमआई के अमाउंट का बोझ कम से कम पड़ता है। अगर ग्राहक कम से कम ईएमआई का बोझ लेता है तो उससे पहला बेनिफिट तो ये है कि वो इजी पे कर पाएगा और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। ये जानकारी थी आपके होम लोन की। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, पर उससे पहले अगर आपको भी इस प्रकार की फाइनेंस की जानकारी पसंद आती हो या अच्छी लगती हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करते हैं। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा, लोन प्लस अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब आपको लोन मिलेगा प्रॉपर्टी के एवज में। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो आप उसके एवज में लोन ले सकते हैं, उसे कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नॉर्मली ये जो लोन होता है बिजनेसमैन ही लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन मिलता है उस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है होम लोन के मुकाबले वो अधिक होता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में उस रकम का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करते हैं, इसलिए नॉर्मली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेसमैन लेते हैं। और बैंक भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप बिजनेसमैन को ही प्रेफर करते हैं लोन देने के लिए। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जानकारी के बारे में। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 11% से लेके 14% तक हो सकता है। ये भी आपकी डिपेंड करता है क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर और प्रॉपर्टी के प्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। दूसरी जानकारी ये है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी बिग अमाउंट मिल सकता है। मसलन अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है, आपको प्रॉपर्टी की कीमत की 70% यानी कि 70% तक अमाउंट मिल सकता है। मसलन मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है 50 लाख है और आपको अमाउंट चाहिए उसके अनुसार मैक्स टू मैक्स, तो प्रॉपर्टी की कीमत का 70% ऑलमोस्ट बनता है 35 लाख रुपए, वो आपको अमाउंट मिल सकता है। हालांकि ये अमाउंट होम लोन की कैटेगरी के अंदर 90% तक फंडिंग की जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू की 90% तक फंडिंग की जाती है, पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि लैप के अंदर बैंक या NBFC नॉर्मली 70% से ऊपर फंडिंग नहीं करते। मैं अभी बात कर रहा हूँ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। तीसरी जानकारी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की इस प्रकार है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ROI रिड्यूसिंग ही होता है, मतलब घटते क्रम में ही ब्याज लगेगा, पर क्योंकि होम लोन के मुकाबले लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ROI कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी EMI ज़्यादा होगी होम लोन के मुकाबले, क्योंकि होम लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से लेकर 11% तक जाता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर
11 से लेके 14% तक जाता है मैक्स टू मैक्स। तो इस वजह से आपकी जो अमाउंट के ऊपर ईएमआई बनेगी वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ज़्यादा बनेगी। जो अगला स्टेप है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन का, वो इस प्रकार है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में टेन्योर यानी लोन को पे करने की जो अवधि होती है वो मैक्सिमम 15 साल होती है। नॉर्मली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो पे करने की अमाउंट को पे करने की जो अवधि होती है वैसे तो नॉर्मली 10 साल होती है, पर कुछ स्पेशल केसेस के अंदर बैंक या NBFC 15 साल की भी अवधि पे करने के लिए कस्टमर को रियायत देते हैं। हालांकि होम लोन के अंदर जो टेनर होता है वो 20 साल का जाता है ताकि ग्राहक को EMI पे करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो जो लोन है उस ग्राहक को देने में प्रेफरेंस सरकार भी करती है, बैंक्स भी करते हैं जिनके पास घर नहीं है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उन ग्राहकों को दिया जाता है जो बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए फंड को रेज करते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो इसीलिए वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा भी है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन वाइज नॉर्मली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और नॉर्मली जो बिजनेसमैन है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं और होम लोन वो लोग लेते हैं जिनके पास घर नहीं है या नया घर खरीदना चाहते हैं। वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।